मैं कहना चाहूंगा अब शुरुआत करता हूँ, और लगता है मेरी तबीयत खराब हो जाएगी इसी में, आदत नहीं है तो ठीक है। मैं अपने देश के लिए कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे हीरो हैं, हमारे देश के हीरो तो दो लोग हैं, एक जवान है और दूसरा किसान, दोनों जरूरी है। तो हाँ, मैं कुछ कहूंगा, कुछ अगर मेरे मुंह से अगर कुछ निकल जाए तो मैं माजिरत चाहूंगा, और इसी के साथ इजाजत हो तो मैं अपनी शायरी को, अपने कलाम को आगे बढ़ाऊंगा। तो पहली शायरी मैं पेश करता हूँ, सुनेगा। जिंदे को मौत, निगाहों को किताब कहते हैं। ये जिंदे को मौत, निगाहों को किताब कहते हैं, वो हिमालय को नहीं जमीन को चट्टान कहते हैं, और अर्श से फर्श तक कोई है तो बताओ, जहां मजहब नहीं उसे ही हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चाहतों की डोरी कमजोर नहीं है, चाहतों की डोरी कमजोर नहीं है, हिंदुस्तान किसी से कमजोर नहीं, कम नहीं है। और कहते हैं क्या है और क्या है तुम्हारा, ये चाहतों की डोरी कमजोर नहीं है, हिंदुस्तान किसी से कम नहीं है। और कहते हैं क्या है और क्या है तुम्हारा, तो मैं बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। सुनिएगा, मुझे खुशी नहीं गम चाहिए, शहादत की एक पहचान चाहिए, कि मुझे खुशी नहीं गम चाहिए, शहादत की एक पहचान चाहिए, और ए जाहिलो धर्म का घंटा अपने गले में डाल रखना, कि ए जाहिलो धर्म का घंटा अपने गले में डाल रखना, मुझे तो बस तिरंगे की छांव चाहिए, और मैं जल जाऊं बह जाऊं फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस हिंदुस्तान की जमीन चाहिए। इससे बड़ी बात ही नहीं है, मैं मरूं कहीं भी, लेकिन अगर सोचो मरने के बाद मुझे अगर मेरे वतन में दफन करेंगे तो उससे बड़ी खुशनसीबी की क्या बात है। ये चीज है मेरे लिए, और ये सुनिएगा, कि धरती मेरी माँ, तिरंगा मेरी जान है, धरती मेरी माँ, तिरंगा मेरी जान है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन हिंदू और कौन मुसलमान है, यही मेरी जिंदगी, यही मेरी पहचान है, कि यही मेरी जिंदगी, यही मेरी पहचान है, यहाँ रहते हैं सब एक होकर, इसीलिए ये हिंदुस्तान है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिएगा, ना हिंदू बुरे होते हैं, ना मुसलमान बुरे होते हैं, और ना हिंदू और ना मुसलमान, ये कभी लड़ाई नहीं करते, लड़ाई वो करते हैं जो शैतान, जो हैवान होते हैं। तो उसके लिए शायरी पेश करना चाहूंगा, कि रंग में कई रंग मिलते हैं, देखिएगा रंग मतलब कोई बोलता ना भगवा, कोई हरा नीला, तो सारे रंगों में मिला रहा एक जगह, रंग में कई रंग मिलते हैं, उसे इंद्रधनुष कहते हैं, कि रंग में कई रंग मिलते हैं, उसे इंद्रधनुष कहते हैं, और गरीबों को जो खाना खिला दे उसे इंसान कहते हैं, और इंसानों से बने हुए घर को ही हिंदुस्तान कहते हैं। तो ये सुनिएगा शायरी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बोर तो नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दुश्मनों के लिए नफरत, वतन के लिए मोहब्बत रखते हैं, दुश्मनों के लिए नफरत, वतन के लिए मोहब्बत रखते हैं, आंखों में खून, होठों पे मुस्कान रखते हैं, और हम वो परिंदे नहीं जो उड़कर थक जाए, कि हम वो परिंदे नहीं जो उड़कर थक जाए, इरादों में जान हौसले सख्त रखते हैं। ये थी जवानों के लिए। अब मैं बहुत शायरी लिखता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मैं ना मेरी माँ के लिए लिखता हूँ, बाबू के लिए लिखता हूँ। तो पहले शायरी मैं स्टार्ट करता हूँ, जो कि बहुत अच्छी शायरी है। हाँ, ये इसके पहले दिवाली के पहले क्या हुआ था, अचानक रात में मेरी तबीयत 3 बजे खराब हो गई, और फोन स्विच ऑफ,
और दोस्त मेरा गांव गया था, उसके कमरे में मैं लेटा हुआ था, सब ठीक था, लेकिन अचानक रात में 3 बजे तबीयत खराब हो गई। मैं सोचा कि जाऊं अब मम्मी के पास कैसे जाऊं, मेरी अम्मा के पास कैसे जाऊं, तो अब मैं उठ भी नहीं पा रहा हूं। ऐसा लग रहा था कि मैं आज दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। तो उसी के ऊपर मैंने कुछ लिखा है, दिल जुबा जिस नजर बिखरे हुए हैं, ऐ खुदा इन्हें एक होने की मोहलत दे दे। कि दिल जुबा जिस नजर बिखरे हुए हैं, ऐ खुदा इन्हें एक होने की मोहलत दे दे, और ऐ मौत रुक जा भी दूर हूं मैं मेरी माँ से, ऐ खुदा रुक जा भी दूर हूं मैं मेरी माँ से, मेरी माँ की गोद में सोने की मुझे मोहलत दे दे। कि ट्रेन छूट जाएगी दूसरी ट्रेन मिल जाएगी, आईना टूट कर बिखर जाएगा, दूसरे आईना में चेहरा दिख जाएगा, मगर माँ का साथ जो छूट जाएगा तो फिर कभी माँ की नजरों में अपना चेहरा ना देख पाएगा। कि एक वक्त था बचपन का, ये खास करके मैम आपके लिए, सुनम मैम और मैम आपके लिए, एक वक्त था बचपन का, माँ हर फरमाइश पूरी कर देती थी, खुद सो जाती थी गीले बिस्तर पर, माँ मुझे सूखे बिस्तर पर सुला देती थी। कि खुद सो जाती थी गीले बिस्तर पर, माँ मुझे सूखे बिस्तर पर सुला देती थी, और ईद के लिए माँ मुझे नए कपड़े दिला दिया करती थी, मगर माँ खुद पुराने कपड़े में ही ईद मना लिया करती थी। वक्त कैसा भी होता था, मगर माँ मुझे कभी रोने नहीं देती थी।